आज हम रिटायरिंग ऑफ अ बिल पे एक इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। रिटायरिंग ऑफ अ बिल क्या है? रिटायरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज का एक एस्पेक्ट है। हम बिल ऑफ एक्सचेंज को अपनी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे हमने एक सेपरेट वीडियो की है और उसमें हमने देखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ये हम अभी यहाँ देख लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर है, यानी एक पेपर पर ऑर्डर लिख कर दिया जाता है। अब ऑर्डर कौन दे रहा है? एक पर्सन वो ऑर्डर दूसरे पर्सन को दे रहा है कि फ्यूचर में स्पेसिफाइड पेमेंट, यानी जो पेमेंट डिसाइड हुई है, जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की पेमेंट करनी है, वो फ्यूचर में पेमेंट कर दी जाएगी। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ क्या काम करता है? जिस पर्सन ने पेमेंट वसूल करनी होती है वो उस पेपर पर तमाम डिटेल्स लिख कर दूसरे पर्सन को देता है, और जो दूसरा पर्सन जिसने पेमेंट करनी होती है वो सिग्नेचर करता है उस पर, और वो जो पेपर होता है पहला पर्सन अपने पास रख लेता है सबूत के तौर पर, वो पेपर दिखाकर फ्यूचर में पेमेंट वसूल कर लेता है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब इशू होता है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट नोयत की फिर सिचुएशंस अक्कर होती हैं, जिनमें से एक रिटायरिंग ऑफ अ बिल है, जिसपे आज हम देखेंगे रिटायरिंग ऑफ अ बिल क्या है, इसकी जब रिटायरिंग ऑफ अ बिल होता है तो इसकी एंट्रीज अकाउंटिंग में किस तरह से पास की जाती हैं, ये आज हम जानेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज जब ड्रॉ किया जाता है होता ये है कि उस पर डिटेल लिखी होती हैं और ये मेंशन होता है कितनी टाइम के बाद जो पेमेंट है वो वसूल करनी है। जैसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 महीने के बाद जो बिल पे टाइम मेंशन है, 2 मंथ्स के बाद पेमेंट वसूल करनी है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से। अब रिटायरिंग ऑफ अ बिल क्या होता है? जो पेमेंट 2 महीने के बाद वसूल करनी है वो पेमेंट अगर टाइम पीरियड से पहले, यानी 2 महीने से पहले वसूल कर ली जाए, या जो दूसरी पार्टी है उसके पास पैसे पड़े हुए हों और वो जो टाइम पीरियड डिसाइडेड है उससे पहले पेमेंट कर दें, तो इसको हम कहते हैं बिल रिटायर हो गया है, यानी बिल की अब जरूरत नहीं रही, बिल टाइम पीरियड से पहले रिटायर हो चुका है। अब जो पार्टी पेमेंट कर रही है उसको क्या फायदा होगा टाइम पीरियड से पहले पेमेंट करने का? वो डिस्काउंट या रियायत वसूल करेगी उस पार्टी से जिस पार्टी के उसने पैसे देने हैं। अब हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू जानेंगे जब भी बिल रिटायर होता है तो दोनों पार्टीज किस तरह से अपनी बुक में एंट्रीज पास करती हैं। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसे हम इलस्ट्रेशन कह रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं हम, इसको समझते हैं और देखते हैं किस तरह से इसकी एंट्री हम पास करेंगे अकाउंटिंग में। अच्छा, अनम क्या करती हैं? ड्रॉ करती हैं एक बिल मिस्टर असद पे। इसका मतलब ये है कि अनम बिल ड्रॉ कर रही हैं। बिल ड्रॉ करने के बाद वो मिस्टर असद के सिग्नेचर लेंगी और सिग्नेचर लेने के बाद वो बिल अपने पास रखेंगी, और जब टाइम पीरियड आ जाएगा जो कि मिस अनम अलाउ करेंगी, वो टाइम पीरियड आने पे जो है मिस्टर असद से पैसे वसूल कर लेंगी। अब कितनी अमाउंट है? 50,000 रुपया। और ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर असद एक्सेप्ट करते हैं इसको और रिटर्न कर देते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब है सिग्नेचर करते हैं और रिटर्न कर देते हैं। अब एक्सेप्टेंस इज़ रिटायर्ड अंडर अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। इसका मतलब ये है एक्सेप्टेंस जो है वो रिटायर हो गई है, यानी जो टाइम पीरियड मिस अनम जो है वो अलाउ करेंगी, यानी हम लोग यहाँ फ़र्ज कर लेते हैं मेंशन नहीं है, अगर टाइम पीरियड जो है वो 2 महीने था तो मिस्टर असद ने क्या किया, 2 महीने से पहले पहले पेमेंट कर दी। हम लोग लिख लेते हैं 1.5 मंथ अभी गुजरा था और साथ ही जो मिस्टर असद हैं उन्होंने पेमेंट कर दी। अब क्या होगा? मिस्टर असद ने जब पेमेंट कर दी है तो वो उन्होंने डिस्काउंट वसूल करना है, पहले जो उन्होंने पेमेंट की है टाइम पीरियड से पहले उसके लिए वो डिस्काउंट वसूल करेंगे। कितना डिस्काउंट लेंगे? वो 1,000 रुपया। अब हमने करना क्या है? हमने ट्रांजैक्शन जो है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसको रिकॉर्ड करना है दोनों पार्टीज़ के जर्नल में। अब दोनों पार्टीज से हमारी मुराद ये है कि जो पर्सन ड्रॉ करता है बिल जिसने फ्यूचर में पैसे वसूल करने हैं उस पार्टी की बुक्स में, और इसके अलावा दूसरा पर्सन जो फ्यूचर में पैसे पे करेगा उसकी बुक्स में, यानी उसके जर्नल में हम लोगों ने एंट्री पास करनी है। जर्नल वो होता है जहाँ सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजेक्शन को एंटर किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कौन है? अनम है। तो अनम का जर्नल किस तरह बनाएंगे वो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। अनम जो है वो बिल ड्रॉ करती हैं। जब अनम बिल ड्रॉ करती हैं और बिल जो है दूसरी पार्टी जिसने बिल देना है उसका नाम क्या है, वो नाम हम देख लेते हैं मिस्टर असद। तो असद जो है वो बिल एक्सेप्ट करते हैं। तो जब बिल ड्रॉ किया जाता है उस वक्त क्या एंट्री की जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे आएगा। हम लोग लिख लेते हैं ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ आएगा। और यहाँ डेट क्या होगी? हमारे पास डेट मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेट जो है वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा यहाँ आया, और डेट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ये ट्रांजेक्शन जो हुई है हमारी ये 2018 में हुई, और 2018 की किस तारीख को हुई? जनवरी 1 को। जनवरी 1 को बिल जो है वो ड्रॉ किया गया है और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के थ्रू फ्यूचर में पैसा आना है, इससे फ्यूचर बेनिफिट मिलना है, तो ये हमारा एसेट है। एसेट में इंक्रीज को अकाउंटिंग में
डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट पे से लिखा, इसका मतलब है लेफ्ट पे जो चीज़ लिखी होती है वो डेबिट होती है, और यहाँ पे हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को लेफ्ट पे लिख दिया। अब ये कितनी अमाउंट थी, ये हमारे पास 50,000 रुपये की अमाउंट है जो रिसीव करनी है मिस अनम ने, तो यहाँ हमने 50,000 लिख दिया डेबिट में। अब लेजर फोलियो क्या है, लेजर फोलियो ये जो हम लोग यहाँ एंट्री करने जा रहे हैं, इस एंट्री से रिलेटेड जो लेजर बनेगा, लेजर क्या होता है, लेजर टी अकाउंट होता है, जो इस एंट्री से रिलेटेड लेजर बनेगा जिसमें इसके बाद रिकॉर्ड लेकर जाया जाएगा, लेजर का रेफरेंस यहाँ मेंशन किया जाएगा, लेजर जिस पेज पे बनेगा या जिस शीट पे बनेगा उस शीट का यहाँ पे नंबर लिख दिया जाएगा, ताकि जब भी हमने देखना हो इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड लेजर कहाँ है वो हम देख सकें। यहाँ हमने फर्ज कर लिया है शीट नंबर या रजिस्टर का जो पेज नंबर है वो 9 है, तो हमने यहाँ पर लेजर फोलियो में 9 लिख दिया। और यहाँ पे असद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और किस अमाउंट से क्रेडिट किया, 50,000 से। अब असद अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, जब हम लोगों ने असद को सेल की होंगी या हमने पैसे उधार दिए, हम फर्ज कर लेते हैं हमने असद को सेल की हैं, तो हमने क्या एंट्री की होगी कि असद अकाउंट से हमने पैसे फ्यूचर में वसूल करने हैं, जो हमने सेल की हैं उसके अगेंस्ट हमने पैसे वसूल करने हैं, असद अकाउंट हमारा डेटर है यानी इसलिए हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारा एसेट है तो इसलिए हमने इसे डेबिट किया होगा, और जो हमने सेल्स की हैं मिस अनम ने यानी सेल्स जो की हैं वो उन्होंने क्रेडिट की होंगी। सेल्स की अकाउंटिंग नेचर ये है कि सेल्स में जब इंक्रीज़ आता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो अब क्या हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा था कि असद अकाउंट के थ्रू पैसा आना है, अब असद ने जो बिल रिसीवेबल दिया है, बिल रिसीवेबल अगर पास होगा तो फिर पैसा आएगा, हमने असद की जगह बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया और असद अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये अब हमारा डेटर नहीं है, अब जो हमें बेनिफिट मिलना है वो बिल्स रिसीवेबल की वजह से मिलना है, बिल रिसीवेबल दिखाएंगे तो हम लोग पैसा वसूल करेंगे, तो इसलिए असद अकाउंट अब हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, यानी अब हमारा पैसा बिल्स रिसीवेबल के थ्रू आएगा, असद अकाउंट अब हमारे लिए एसेट नहीं रहा। तो यहाँ पे हमने नरेशन मेंशन कर दी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यानी मिस अनम ने मिस्टर असद से एक्सेप्टेंस रिसीव की है, जो फ्यूचर पेमेंट की उसकी यहाँ पे एंट्री पास कर दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं जब बिल रिटायर हुआ है तो क्या एंट्री होगी, बिल अब कब रिटायर हुआ है, January 1 को हमने ये बिल ड्रॉ किया था और 2 मंथ्स जो हैं वो अलाउ किए गए थे, यानी 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने गुजरने के बाद पेमेंट कर दें। अब क्या किया है मिस्टर असद ने, मिस्टर असद ने 1.5 मंथ गुजरे हैं और पेमेंट कर दी है, यानी 1.5 महीने यानी 1.5 माह गुजरने के बाद ही पेमेंट हो गई है, और बिल यानी टाइम पीरियड से पहले बिल अदा हो गया है, तो बिल रिटायर हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जनवरी का महीना गुजरा, फरवरी के 15 दिन गुजरे हैं, तो बिल जो है वो रिटायर हो गया है, यानी बिल की पेमेंट हो गई है, बिल की पेमेंट हो गई है तो अनम के पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अब कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग पहले कैश अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, कैश हमारा एसेट होता है और एसेट में इंक्रीज़ आने को डेबिट किया जाता है, यहाँ हमने कैश अकाउंट लिख लिया। इसके बाद जो है वो हम लोग अगर पहले पेमेंट वसूल कर रहे हैं तो हमें जो पार्टी पेमेंट पहले कर रही है मिस अनम को, जो असद हैं वो पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, मिस अनम को जो है वो डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट क्या होता है, ये हमारा खर्चा हो रहा है, हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब आता है तो वो अकाउंटिंग की नेचर के मुताबिक, एक्सपेंस की नेचर के मुताबिक एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, तो डिस्काउंट अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, और जो बिल्स रिसीवेबल हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था पहले, जो बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट हुआ था, वो बिल रिसीवेबल के थ्रू जो अमाउंट आनी थी वो अमाउंट हम वसूल कर चुके हैं, तो अब हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो गया। अकाउंट के लिए हम FBISE लिख सकते हैं, पूरा अकाउंट लिखने की जगह यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं FBISE, ये अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। अब अमाउंट यहाँ पे क्या आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ देखा 50,000 रुपये का बिल था और 1,000 रुपया पहले पेमेंट करने की वजह से हमने डिस्काउंट देना है, तो अब यहाँ पे क्या पेमेंट आएगी, हम लोगों को 50,000 की पेमेंट हमने रिसीव करनी थी जिसमें से 1,000 रुपया हमने डिस्काउंट देना है पहले पेमेंट करने की वजह से, तो क्या होगा हमारे पास, अब जो पेमेंट हम लोगों के पास आएगी वो होगी 49,000 यानी 49,000 अब हमारे पास आएगा। तो कितना कैश आया, यहाँ पे जो कैश आया है ये 49,000 है, यहाँ हमने 49,000 लिख लिया। अब जो हमारा डिस्काउंट पे एक्सपेंस हुआ है वो 1,000 है, हमने यहाँ पे 1,000 लिख दिया, और ये दोनों मिला के कितने का बिल था, ये बिल 50,000 का था, ये दोनों मिला के हमने 50,000 को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया।
अब हम देखते हैं मिस्टर असद जिन्होंने पेमेंट करनी है वो किस तरह से अपनी बुक्स में एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जनवरी को जब बिल एक्सेप्ट किया है, उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, तो वो रिकॉर्डिंग करेंगे। अनम अकाउंट जो है वो उनकी पहले लायबिलिटी थी, यानी जब उन्होंने अपनी परचेजेस की सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा। इससे पहले यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग बिल के एक्सेप्टेंस की और बिल के रिटायर होने की एंट्री कर रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, जब उन्होंने परचेजेस की होंगी तो उन्होंने ये परचेजेस जो हैं उन्होंने उसके लिए पेमेंट नहीं की होगी, तो परचेजेस अकाउंट को उन्होंने डेबिट किया होगा। यहाँ पे अमाउंट लिखी जाती है। और इसके अलावा जो अनम है, अनम के उन्होंने पैसे पे करने होंगे, तो अनम अकाउंट जो है वो लायबिलिटी है, उसे क्रेडिट किया गया होगा। अब जो लायबिलिटी है वो ख़त्म करके, उस लायबिलिटी को डेबिट करके, अब बिल्स पेबल की लायबिलिटी, क्योंकि बिल अब इनकी अब लायबिलिटी है कि इन्होंने बिल की अमाउंट पे करनी है, तो बिल पेबल की लायबिलिटी क्रिएट की, यानी बिल्स पेबल को यहाँ पे क्रेडिट किया और यहाँ मेंशन कर दिया एक्सेप्टेंस गिवन। अब ये जो एक्सेप्टेंस दी है इसकी अमाउंट क्या है, 50,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये 50,000 की जो है, 50,000 से अनम अकाउंट को डेबिट किया है और 50,000 की एक्सेप्टेंस कबूल की है और बिल्स पेएबल आया है जो कि लायबिलिटी है जो इन्होंने पे करनी है, यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्सेप्टेंस गिवन। इसके बाद है जब बिल रिटायर हो रहा है, यानी डेढ़ माह गुजरने के बाद फेब 15 को क्या एंट्री होगी, बिल्स पेएबल जो कि लायबिलिटी थी, अब ये लायबिलिटी ख़त्म हो रही है। कितनी लायबिलिटी थी, 50,000 की लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी को पे करने के बाद लायबिलिटी अब ख़त्म हो रही है, तो ये डेबिट कर दी है, क्योंकि लायबिलिटी की नेचर है जब लायबिलिटी आती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटी कम हो रही हो या ख़त्म हो रही हो तो उसको डेबिट किया जाता है। इसके बाद है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, कितना कैश इन्होंने पे किया है, मिस्टर असद ने कितना कैश पे किया है, 49,000 कैश इन्होंने क्यों पे किया है, क्योंकि उन्होंने टाइम से पहले पेमेंट कर दी और 1,000 रुपये का मिस अनम ने इन्हें डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब है जो पेमेंट इन्हें करनी पड़ी है वो पेमेंट इन्हें 49,000 की करनी पड़ी है। अब ये जो डिस्काउंट है ये हमने क्रेडिट इसलिए किया कि मिस्टर असद के लिए डिस्काउंट इनकम है और इनकम की अकाउंटिंग नेचर है, जब भी इनकम आती है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो डिस्काउंट अकाउंट को यहाँ पे हमने 1,000 से क्रेडिट कर दिया, 1,000 से डिस्काउंट को क्रेडिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, यानी कैश इनके पास से गया है, एसेट में कमी आई है, क्रेडिट किया गया है। 49,000 प्लस 1,000 ये मिला के 50,000 का जो बिल है वो बिल की लायबिलिटी अब इनकी ख़त्म हो गई है और बिल पेएबल को हमने डेबिट कर दिया। इस तरह से जब एक्सेप्टेंस रिटायर हो जाती है उसको अकाउंटिंग में उसकी एंट्री पास की जाती है, इस तरह उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज हमने सीखा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए। अब ये बिल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स यानी डिफरेंट पहलू होते हैं, जिसमें से एक रिटायरिंग ऑफ अ बिल है, जब बिल टाइम पीरियड से पहले पे कर दिया जाता है उसे रिटायरिंग ऑफ अ बिल कहते हैं, और रिटायरिंग ऑफ अ बिल के केस में किस तरह से दोनों पार्टीज़ अपने बुक्स में एंट्रीज पास करती हैं ये आज हमने सीखा।